अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग इस वक्त हाजिर हैं एक मरतबा फिर क्योंकि डेनमार्क में उर्दू ज़बान की तदरीस को यानी एजुकेशन को तदरीस को 50 वर्ष होने को हैं और इस सिलसिले में एक किताब के ऊपर काम जारी है और हम बिल्कुल पूरी डॉक्यूमेंटेशन ढूंढ रहे थे। कोपेनहेगन कमून ने इसका आगाज़ किया था और इसमें बाकायदा हमारे कुछ डैनिश दोस्त थे जो माहिर तालीम थे, उन्होंने ना सिर्फ ये कि डेनमार्क में आगाज़ किया बल्कि वो बाकायदा इस्लामाबाद तक गए। तो मैं उनके पूरे नाम के साथ पूरे रेफरेंसेस के साथ ये चीज़ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अभी तो ये है कि अचानक ही हमारी एक ये बना है प्रोग्राम, तो हमने सोचा कि चलिए टीवी के लिए हम कुछ पैगाम रिकॉर्ड करवा देते हैं और यहाँ पे उर्दू की तदरीस के 50 वर्ष यानी 50 ईयर्स ऑफ उर्दू एजुकेशन हियर इन डेनमार्क। और हमारा डेनो उर्दू प्रोग्राम भी आप देखते रहते हैं, बहुत लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, बिलखसूस अब मैं जब पाकिस्तान गई हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ही हैरत का मकाम भी था, खुशी का मकाम भी था कि हमारे साथियों ने बहुत पसंद किया कि डेनमार्क में इतना काम हो रहा है, डेनिश ज़बान और अदब के लिहाज से इतना काम हो रहा है। तो इसमें मैं अपनी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, टीवी लिंक डेनमार्क का, वीमेन इन फोकस इंटरनेशनल का, हमारे साथ जो मुसलसल इसमें भाग दौड़ कर रहे हैं मोहतरमा रुखसाना अली जो हमेशा इसके लिए हाजिर होती हैं अपनी, आप जानते हैं कि ये मोहब्बत की मशक्क़त है, जैसे कि शेक्सपियर ने कहा था ये हमारी लेबर ऑफ लव है जिसमें हम रजाकाराना तौर पे ये काम करते हैं। लुबना इलाही ने इस पूरे प्रोजेक्ट को संभाला है, उनकी ये ज़िम्मा है कि यहाँ पे जितने उर्दू के असातिज़ा थे उनके घर वालों से भी बात करें, जो लोग हयात हैं उनके इंटरव्यू करें, ये उनका प्रोजेक्ट है। लेकिन डेनो उर्दू जैसे आपने देखा होगा कि रुखसाना अली डेनिश ज़बान में ये ज़्यादा करती हैं और साथ साथ चूँकि उनको उर्दू पर अबूर हासिल है तो वो उर्दू का करती हैं और मैं साथ साथ जो मुझसे बन पड़ता है थोड़ा बहुत डेनिश लिटरेचर का या हमारे जो मेहमान आते हैं उनके प्रोग्राम से। तो ये पूरी टीम तहे दिल से मुबारकबाद की मुस्तहिक है। रेडियो पर मोहतरमा सुल्तान महमूद साहब इसके इस मुहिम में हमारे साथ हैं कि आने वाली नस्ल को बताया जाए कि यहाँ पे कितनी मुश्किलों से हमारे उर्दू के जो असातिज़ा थे पहले उन्होंने कितने मुश्किल हालात में चीज़ों के लिए अपने मटीरियल खुद बनाते थे। अब तो जिसको जो मिलता है आप गूगल करते हैं, ढूंढते हैं, तस्वीरें लेते हैं, इधर उधर की उड़ाते हैं, चिपकाते हैं और उर्दू पढ़ाते हैं। लेकिन उस ज़माने में जो हम लोग किया करते थे, हम लोग बाकायदा अपना मटेरियल खुद बनाते थे, पेपर्स काटने, तस्वीरें बनानी, ड्राइंग करनी, खुद नज़में लिखनी, उन नज़मों को डेनिश नज़मों के बराबर रखना, क्योंकि डेनमार्क में जो उर्दू पढ़ाई जाती है वो डेनिश ज़बान की तदरीस के मुताबिक है, बराबर है, यानी ऐसे नहीं कि बेचारी उर्दू ज़बान से जो चाहे पढ़ा ले। उर्दू ज़बान को उर्दू दान ही पढ़ाने के लिए बाकायदा डेनमार्क में इस बात का इख्तमाम किया गया था कि हमें यूनिवर्सिटी कॉलेज की तालीम दिलवाई जाए। आप हमारे साथ रहिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।